हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 8वीं मॉक टेस्ट है, जो कि फर्स्ट मॉक टेस्ट है। गाइस, इसी तरीके से आपका सेकंड और थर्ड 3 मॉक टेस्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर गाइस, हम आपको जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके, इसके अंतर्गत आपको हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित, चारों के हम आपको कंप्लीट आंसर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो मॉक टेस्ट, जो कि समय आपके पास है 2 घंटे का, और कुल जो प्रश्न रहेंगे गाइस आपके पास रहेंगे 60, और प्रति प्रश्न लगभग 2 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर गाइस, विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ पर जो शाला में उपस्थिति पंजीयन क्रमांक होता है उसे लिखना है, और यहाँ पर गाइस शाला का नाम, विकासखंड का नाम और जिला आपको लिखना है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो टेस्ट प्रश्नकर्ता के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। इस तरीके से आप इसे एक बार देख लें, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसके बाद गाइस, आपको अंत में जो उत्तर पुस्तिका है इसमें ओआरएम शीट संलग्न है, जिसे भरना बहुत ज़रूरी, जो कि बच्चों के द्वारा भरी जाएगी। तो यहाँ पर हमें गोले लगाना है। तो चलिए गाइस, हम जो क्वेश्चन है इसे शुरुआत करते हैं। इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिएगा किस तरीके से हमें गोले लगाना है। तो यहाँ पर गाइस हम शुरुआत करते हैं। तो ये रहा गाइस क्वेश्चन नंबर 1, इसके हम आपको सही आंसर प्रोवाइड कराने वाले, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो वीडियो है इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम यह क्वेश्चन को 60 में कवर करने वाले। तो जो क्वेश्चन पहला है गाइस, इसका सही आंसर ये रहा बी वाला। और जो अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो यह रहा गाइस क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका सही आंसर है डी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है सी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है बी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है बी वाला। इसके बाद गाइस, यहाँ पर हम देखते हैं इस तरीके से, जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका सही आंसर है बी वाला। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है डी वाला। तो इस तरीके से गाइस, क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक सारणी दी गई है, इसे देखकर हमें बताना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ये रहा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है बी वाला। और क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है बी वाला, जो कि हमें सारणी को देखकर बताना है। इस तरीके से गाइस, हमें एक यहाँ पर अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ लें और हम इसके सही आंसर अब देखते हैं। तो जो इसका सही आंसर है गाइस, 11वें का सी है, 12वें का बी और 13वें का डी वाला है, और 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है डी वाला। और अगला हम देखते हैं गाइस अब यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 15 से हम शुरुआत करते हैं। तो 15 का सही आंसर है ए वाला, 16 का है बी वाला, और जो 17 क्वेश्चन से गाइस, यहाँ पर इसका कोई भी भाग शेष नहीं है, ये इसका सही आंसर आएगा। और जो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर ये रहा सी वाला, और 19 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर ये रहा गाइस सी वाला 4, और यहाँ पर जो 20 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर है बी वाला 20, 21 का सही आंसर ये रहा गाइस 25/27, और 22 नंबर का सही आंसर है 15/4 ये वाला डी वाला। इसके बाद जो 23 वाला, इसका सही आंसर ये रहा सी वाला। और अगला जो 24 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर ये रहा इसका सी वाला, और जो 25 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर है डी वाला। इसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर यह रहा गाइस यहाँ पर सी वाला। गाइस, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमने जो हमारा वेबसाइट है इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर दो, इजीली आप अपने क्वेश्चन कर पाओगे। अगला गाइस, यहाँ पर 27 नंबर का इसका सही आंसर है 1/5 x सी वाला, और जो 28 नंबर का क्वेश्चन इसका सही आंसर यह रहा बी वाला। 29 नंबर का सही आंसर है 1/8, जो कि सी वाला सही आंसर है। 30 नंबर का सही आंसर यह रहा 30%। इसके बाद जो 31 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर ये रहा ए वाला, और 32 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर ये रहा गाइस डी वाला तबला, और जो 33 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर है बर्फ़ का पिघलना ए वाला। और फिर गाइस, जो 34 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर ये रहा ए बा तथा सा, ये रहा बा और ये रहा सा गाइस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ये रहा। और जो अगला क्वेश्चन है वो इसे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर इसका सही आंसर है बोतल द। फिर जो 36 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर यहाँ पर यह रहा गाइस बी वाला, इसका सही आंसर है। अब जो अगला क्वेश्चन है इसे देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 37 नंबर का, इसका सही आंसर यह रहा गाइस बी वाला। 38 नंबर का सही आंसर है सी वाला, और जो 39 नंबर है इसका सही आंसर है डी वाला। फिर जो 40 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर है सी वाला। फिर गाइस, जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन से 41 नंबर का, इसका सही आंसर है डी वाला। फिर जो 42 नंबर का क्वेश्चन से गाइस, इसका सही आंसर है लाइलान, जिसका जो कि ये रहा ये वाला इसका सही आंसर है।
और जो 43 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर है डी वाला, घर्षण बल घटाने के लिए और क्षमता बढ़ाने के लिए। और अगला गाइस यहाँ पर एक समान चाल, इसका सही आंसर है एक समान चाल। और जो 45 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। जो 46 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर ये रहा गाइस, और 47 नंबर का ये रहा डी वाला, 48 का रहा बी वाला ये रहा, और जो 39 नंबर का क्वेश्चन है गाइस इसका सही आंसर यहाँ पर ये रहा डी वाला। इसके बाद हमें एक आकृति दी गई है तो इसे देखकर बताना है। तो गाइस यहाँ पर इसका सही आंसर है डी वाला राजस्थान। इसके बाद 51 नंबर का सही आंसर है यहाँ पर ये बी वाला, और जो 52 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर है 3 वर्ष, ए वाला इसका सही आंसर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 53, इसका सही आंसर है बी वाला महात्मा गांधी। और अगला क्वेश्चन से जो 54 नंबर का इसका सही आंसर रासायनिक परिवर्तन डी वाला इसका सही आंसर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन से यहाँ पर इसका सही आंसर है ज्वालामुखी और डी वाला, और जो 56 नंबर का क्वेश्चन से इसका सही आंसर बंगाल बिहार व उड़ीसा में, इसका सही आंसर है ए वाला। और अगला जो क्वेश्चन से गई 57 नंबर का इसका सही आंसर ये रहा, और जो 58 नंबर का क्वेश्चन से इसका सही आंसर ये रहा गई यहाँ पर सही आंसर, और जो 59 नंबर का क्वेश्चन से गई इसका सही आंसर ये रहा ए वाला, और 60 नंबर का जो क्वेश्चन से इसका सही आंसर ये रहा। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर हम अपने आपको इसके कंप्लीट आंसर प्रोवाइड करा दिए। हो सकता है गाइस यहाँ पर एक दो आंसर गलत भी हो सकते हैं, तो अगर यहाँ पर कुछ त्रुटि होती है हमसे तो आपको हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना गाइस, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।